अब आज स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ साइंस का पहला चैप्टर मैटर, जिसका रिवीजन हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इस रिवीजन में आज से जो भी क्वेश्चन अभी तक हमने कराए हैं उसको थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं और थोड़ा क्विकली भी लेंगे, तो साथ साथ में आप नोट करते भी रहना। ठीक है, तो अब ये तो आप सबसे पहले जो बेसिक के स्टार्ट से करते हैं, तो अगर मैटर को अगर हमें समझना है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बेटा, राइट। अब मैटर को हमने कैसे पढ़ा था, व्हाट इज मैटर? दो वर्ड आपको याद रखना है, व्हाट इज मैटर। अगर आपसे सवाल आता है तो हमेशा मैंने आपको समझाया है बेटा उसका आंसर कैसे लिखेंगे बेटे, दो वर्ड, एक तो आपने याद रखना है मास और दूसरा वर्ड है ऑक्यूपाई स्पेस। ये दो वर्ड आपको याद रखने, राइट, समझ में आया। अब इसका आपने डिफाइन कर देना है क्या होता है मैटर, मींस दिस एनीथिंग, एनी सब्सटेंस, एनी मटेरियल, दोस थिंग्स व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, राइट। व्हाट इज मैटर, दोस, नोट डाउन बेटा, दोस थिंग्स, अब थिंग्स की जगह आप मटेरियल लिखो, सब्सटेंस लिखो, चलेगा। दोस थिंग्स व्हिच हैज हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अगर कोई चीज है, लेट्स से दिस इज एग्जांपल, राइट, इसका कुछ तो वेट होगा, राइट। अब कोई जितनी भी छोटी चीज ले ले, पार्टिकल ले ले, बहुत स्मॉलेस्ट चीज ले ले, उसका भी वेट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। इसका मतलब मास होना जरूरी है, मास वेट में थोड़ा फर्क है बेटा। अभी आप इतने ही समझे, जो जिस चीज के अंदर उसी चीज तो पार्टिकल से ही बना होगा ना, तो उसको कुछ ना कुछ तो वेट होना भी चाहिए। अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वेट की तरह समझिए मास को। तो किसी चीज का भी अगर स्पेस वो है तो वो चीज क्या होनी चाहिए, मास, उसका वेट होना चाहिए, दिस इज मैंडेटरी। अभी मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अब दूसरी चीज, अगर मैंने उसको यहाँ पे रख दिया तो इतनी जगह तो गिर गई कि नहीं गिर गई बेटा? यहाँ पर देखो दो चीजें यहाँ पर आ गई है, तो क्या इसमें अगर चार चीज रखना चाहूं या एक और रखना चाहूं तो इसी के ऊपर रखूंगा, इसकी जगह तो आ ही सकता ना, तो ये इसमें इतनी जगह तो घेर ली, रखने के बाद इतना स्पेस भी वो ऑक्यूपाई करेगा। अब मैं एग्जांपल करता हूँ बेटा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या है बेटा, सर बुक पेन टेबल, यस बुक पेन, ये टेबल है। अब मुझे बताओ गैस क्या है, गैस, अब बताओ गैस इज मैटर और नॉट? सर है। स्मोक इज मैटर और नॉट? सर है। राइट, स्मेल इज मैटर और नॉट? स्मेल भी मैटर है, क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स यहाँ तक आते हैं ना चल करके, राइट। अब आपको यहाँ स्मेल आ रही है, सुबह बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत सीजनिंग फूड, आपका गाजर का हलवा बन रहा है तो आपको स्मेल आ जाती है, तो क्या इंडिया गेट में स्मेल आ जाएगी आपको? नो सर। क्यों नहीं आए सर? उसके पार्टिकल, यहाँ के पार्टिकल वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन यहाँ नजदीक में आता उसके पार्टिकल आ गए, तो किसी को नहीं पहुंच रहे, इसका भी सवाल बनेगा बेटे। इसकी बात हमें यहाँ से प्रैक्टिकली समझ में आता है, जो स्मेल है उसके पार्टिकल्स यहाँ पर आ जाते हैं, राइट, यानी कि जो फूड वहां बन रहा था उसमें से पार्टिकल्स गैस में चेंज होकर के यहाँ तक पहुंच रहे हैं, इसका मतलब वो भी स्मेल भी एक क्या है, पार्टिकल से बनी हुई चीज है। आप ऐसे भी समझेंगे, तो स्मेल हो गया, स्मोक हो गया, दीज आर ऑल गैसेस एंड गैसेस आल्सो आर मैटर। समझ में आ गया बेटा? अब एग्जांपल देते हैं, अब यस ये भी मैटर है। अब नॉन मैटर को समझते हैं बेटा, नॉन मैटर के पीछे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो नॉन मैटर का एग्जांपल कौन देगा जो मैटर नहीं है, बताओ बच्चों जल्दी से, ऐसी चीज हैप्पीनेस। मुझे दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, जब मैं आज बहुत खुश हूँ, कितना भी है, 5 किलो खुश है क्या, 2 किलो, 250 ग्राम, कैन यू मेजर, कितना, नहीं इतना, अरे उसमें मेजरमेंट हो ही सकता ना, उसका कुछ, इसका मतलब जिस चीज को हम एक तरीके से मेजर भी नहीं कर सकते, जस्ट फीलिंग है, तो व्हाटएवर द काइंड ऑफ फीलिंग, सैडनेस, हैप्पीनेस, टेंशन, ब्यूटीनेस, सुंदरता है, वो क्या है बेटे, ये तो कोई मास ही नहीं है, ये तो फीलिंग्स है, सिर्फ ऐसे इंटेलिजेंसी है, स्टूपिडिटी है, जो भी है, क्या बेवकूफपन है, ये सब क्या है, ये मैटर्स नहीं है, फीलिंग्स को हम मैटर नहीं कहते। तो प्रैक्टिकली जब फिजिकली जो चीज दिखाई दे सकती है, हाँ वो चीजें दिखाई नहीं देंगी, वो अलग बात है, बिकॉज हमारी आईज है उसकी एक लिमिटेशन है, वो उतनी देख सकते हैं, या फिर हम माइक्रोस्कोप की दे सकते हैं, उसकी भी एक लिमिटेशन होगी,
लेकिन अगर कोई चीज है तो उसका कहीं ना कहीं पार्टिकल से वो बना हुआ है तो उसका मास होगा। लेकिन फेस का जो है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस राइट, सैडनेस राइट, इंटेलिजेंसी इंटेलिजेंसी, ये एग्जांपल किसके बेटा, मैटर। दैट्स इट, समझ में आ गया मैटर? बिल्कुल। चलिए अब इसको भी हटा देते हैं भाई, मैटर तो समझ में आ गया और साथ में नॉन मैटर भी समझ में आ गया। तो मुझे एग्जांपल जल्दी से बताओ बेटे, इनमें से मुझे जल्दी से बताओ कौन से इसमें मैटर है और कौन से नॉन मैटर है। बेटे सुनना भी है और वो भी जल्दी से करना है। चलो बताओ जल्दी से मुझे, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज अ मैटर और नॉट? सर मैटर, इट इज मैटर, राइट राइट। अब स्टेलिंग ऑफ फूड, स्टेलिंग ऑफ फूड मतलब फूड का सड़ना, सर मैटर है। ऑफ कोर्स फूड है भी, वो सड़ रहा दिख तो है। यस सर, इसकी स्टेलिंग से मतलब सड़ना है। अब स्मेलिंग कर दूंगा तो भी वही है, स्मेल, स्मेल मैटर। परफ्यूम सर वो मैटर, मैटर सर। नॉन मैटर, नॉन मैटर। रिचनेस सर नॉन मैटर, रिच समझ में आ गया बच्चों? अब लेते हैं बच्चों हम अगला टॉपिक, मैटर हमें समझ में आ गया बच्चों। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैटर, क्या चल रहा है बेटा, टाइप्स ऑफ मैटर। एक्चुअली मैं कुछ सवाल लेना चाह रहा था लेकिन अब मैं जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर दूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो बताओ बेटा कितने टाइप्स के मैटर होते हैं? सर थ्री, राइट। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी अगर चीजें हैं तो या तो वो सॉलिड होंगी या लिक्विड होंगी या गैस। हालांकि दो स्टेट और भी है प्लाज्मा, लेकिन उसको अभी आपने नहीं कर सकता, कोर्स में नहीं है। ठीक है ना, हमारे कोर्स में फिलहाल तीन ही स्टेट्स है, लिक्विड, गैस है, सॉलिड। चलिए अब चलते हैं बेटे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। तो पहले सॉलिड की प्रॉपर्टी को समझने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा मैटर इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, राइट। तो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बच्चों। देखो सॉलिड लिक्विड की मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, पहले पार्टिकल क्या है बेटे? ऑफकोर्स मैटर, ठीक है ना। अब मुझे बताएं इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं। एक तो सबसे मैं टाइनी कर रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं, टाइनी, दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, राइट। सो इट इज, it is almost impossible to see through naked eye, which cannot be seen easily. Naked eye से हम उसे नहीं देख पाएंगे, we need to take help of microscope to observe to see that these type particles. हाँ, कुछ particles को we can see. यार अब suppose अगर एक window आप करें, पूरा सब कमरे को बंद करने के बाद छोटा सा hole करते हैं, वहाँ से आप light pass करेंगे, तो you will realize that some particles are now moving here and there in zigzag direction. तो zigzag motion में इधर उधर घूमते हुए आपको जो lights आएगी ना hole के अंदर से, वो आपको दिखाई देगी। तो वहाँ पे particles आपको दिखाई दे सकते हैं। तो but normally we can say that it is not possible to see through naked eyes because they are very tiny. ये हो गया पहला point clear बच्चों। अब दूसरा point, सर ये continuously moving, yes moving, movement, motion, क्या होता है motion? अच्छा मुझे बताएं क्यों, why they move, why these particles या all the particles move? ऐसा नहीं बेटे, आप पढ़ेंगे सॉलिड में कैसा होता है, लेकिन वो बहुत लाइट होते हैं, राइट। और उनके बताऊंगा जितना ज्यादा स्पेस होगा वो उतनी ज्यादा मोशन करते हैं, ठीक है ना, we'll discuss later on. तो फर्स्ट इज दे कीप ऑन मूविंग कॉन्टिन्यूसली, दे मूव, राइट। तीसरा पार्ट, उनके बीच में एक फोर्स होता है, दिस इज नोन एज अट्रैक्शन फोर्स। ये फोर्स बेटे ये न्यूटन्स का लॉ भी है, ठीक है ना, डिस्कस लेटर ऑन। तो कोई भी चीज है चाहे वो स्मॉलेस्ट है चाहे वो बिगर वन, राइट, लाइक प्लेनेट हो या हम हो या पार्टिकल्स हो, सब चीजों के बीच
किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच हमेशा एक एक फोर्स एग्जिस्ट करती है. देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ काइंड ऑफ फोर्स दैट इज नोन एज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एनी टू मैटर और टू बॉडीज. Whether these bodies are made of small particles or there is always attraction force between particles. ठीक है ना? Particles हो या बहुत बड़ी चीज हो, attraction force होता है बेटा. अब ये बाद में पढ़ेंगे कि कितना ज्यादा और कितना कम. चौथा बताओ बेटा. Sir, space between. Yes, space यानी कि gap. पार्टिकल्स हो या कोई भी चीज हो, पार्टिकल ही बात कर रहे हैं तो बेटा उनके बीच में एक गैप होगा. जैसे एग्जांपल ये पार्टिकल्स हैं, तो अब मैं इसको यू नॉर्मली अगर आप देखें मैक्सिमम कुछ ना कुछ तो स्पेस बीच में होगा, राइट? तो ये स्पेस जरूर रहता है. ऐसा नहीं है कि एग्जांपल ले लो, अगर मैं आप इस तरह से स्क्वायर बना दूं तो देखो बेटा अब क्या हो रहा है, बेटा स्पेस ही नहीं दिख रहा है आपको. तो आप कह सकते हो देयर इज नो स्पेस. लेकिन जितनी स्मॉल चीजें होंगे बेटे दे गेट अ ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप, नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल बट दे कम इनटू अ वेरी राउंड शेप, ओवल शेप लाइक दैट. वो स्क्वायर में बन ही नहीं सकती, स्क्वायर यानी कि स्क्वायर में रह ही नहीं सकती, उसके लिए आर्टिफिशियली बनाना पड़ता है मशीन बाय यूजिंग मशीन और मैनुअल वर्क. सो ऑब्जेक्ट कैसे होंगे बेटा, पार्टिकल्स किसी भी शेप में हो सकते हैं. तो इसलिए अब ये राउंड शेप में होना इसके भी रीजंस है कुछ, न्यूक्लियस फोर्सेस वगैरह वो अभी आपको पढ़ना नहीं है. तो पार्टिकल जितने स्मॉल होंगे उनका शेप बेटा वो सर्कुलर यानी कि स्फेरिकल नहीं होगा. बात समझ में आ गई बच्चों? अब ये बात हमने समझ ली कि क्या होता है बेटे, चार चीजें तो जरूरी है. अब क्योंकि ये मोशन करता है इसी मोशन को आप अब काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हो, काइनेटिक मोशन या काइनेटिक एनर्जी भी आप ऐड कर सकते हो. तो बच्चों ये था एक्चुअली हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसमें हमने फिर से रिवीजन करते हुए, नॉट एक्सप्लेनेशन ही था बेटा, थोड़ा रिवीजन पर्पस था, तो इस वजह से हमने इस इंट्रोडक्शन को रिवीजन में कवर किया है. और इस रिवीजन के अंदर जो बेसिक चीज थी वो स्टार्ट हो चुकी है. अब इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जहां पर बहुत मजा आने वाला है और इसके बड़े अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर मिलेंगे. तो चलिए आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सब क्वेश्चंस एज ए ऑन द बेसिस ऑफ रिवीजन.